gentlemen, and welcome to Boxing Championship 2010. और आज वो मैच जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, हैवीवेट टाइटल मैच। और ब्लू कॉर्नर से पेश कर रहे हैं द वन एंड ओनली जिसके आगे किसी की ना चली, वाली। इनको चैलेंज करने आज रेड कॉर्नर से आ रहे हैं वेरी ब्रेव थॉरेन। बॉक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेट मी टेल यू गाइस, ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी जगह चैंपियंस हैं। मुकाबला बराबरी का है, अब देखना है आज का मैच कौन जीतता है। जी हाँ, और हम ये क्या देख रहे हैं कि वाली अपने पंचेस का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। मुझे तो लगता है वो पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देंगे। क्या लगता है आपको? इस राउंड में तो वाली तोरेन पर भारी पड़ गए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। वाली, ज्यादा आगे मत बढ़ा फाइट को, उसका स्टेमिना ज्यादा है, समझा? गिरा दे उसको। देख टॉरेन, क्या चीज़ है? ओपन एंड ही आंख में आंख डालकर देख और उसके पंच को मिस करके एक काउंटर अटैक दे। चल, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। कम ऑन, वेरी गुड, टॉरेन। और ये क्या है कि तोरण वाली पे भारी पड़ रहे हैं? अरे ठीक है जाए यार, ठीक है जाए। हाँ, गुड, वेरी गुड, कम ऑन, टॉरेन, या। इस राउंड में तो टोरेन ने काफी अच्छा कमबैक किया, वाली को दिखा दिया कि वो भी कितने टक्कर के बॉक्सर हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा जोश और जुनून? आई वांट एनर्जी, समझा? मोर एनर्जी। गुड। राउंड 3 शुरू होने वाला है, तो आइए देखते हैं कि वाली वापस फॉर्म में आ सकता है या नहीं। टोरेन भी हार मानने वालों में से नहीं है। कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं यार। ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? पॉकेट में कुछ नहीं यार। क्या है जी? मैं तुम्हारे ये गन कहां से आया तुम्हारे पास? नहीं भाई, मेरी बात सुनो, ये गन नहीं है। देखो, गोली मत चलाना। अरे यार, मेरी बात तो सुनो, ये लाइटर है, गन नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो, मैं दिखाता हूँ, प्लीज
प्लीज देखिए। आई एम सॉरी, वाली मर चुका है। What? अगर ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुश बढ़ गई दिल में ठंडक। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुमसे। तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो सब हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? वाले की मौत तुम्हारी वजह से हुई है तारिन। बकवास कर रहा हूँ तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? देखिए, बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें, या प्रेस वाले खड़े सब सुन रहे हैं। बिना बात के हंगामा मत खड़ा कीजिए आप। मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा कर रहा हूँ। सच सुनने का सबको अधिकार है। मैं इन्हें सच सुना रहा हूँ। अच्छा, और वो सच क्या है? सरा मैं भी तो सुनूं। सच ये है कि तुमने जानबूझकर वाली की छाती पर पंच मारा, क्योंकि तुम्हें पता था कि इसके दिल में कुछ हुआ था एक महीना पहले। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान मर्डर है। मर्डर। मैं सब समझ चुका हूँ आप लोगों की शायद। आप लोगों ने जानबूझकर वाली को मारा। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। हाँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, इसी की वजह से वाली की बॉडी को अभी तक एम्बुलेंस में नहीं ले जाया जा सका है। नहीं, जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, वाली की बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। अब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये प्लांट है? ये एक एक्सीडेंटल मौत भी तो हो सकती है। बॉक्सिंग है कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर रोज बॉक्सिंग करते हुए बॉक्सर्स घायल हो जाते हैं या तो? नहीं सर, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, और इस बात का मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? सर आप इसकी बात विश्वास मत कीजिए। आप चुप रहिए प्लीज। मगर ये चुप रहिए। बोलिए सर। मैं आप लोगों को दो बातें बतानी चाहती। क्या बात? पहली बात तो ये कि तकरीबन एक महीने पहले वालिद को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? हाँ सर। तो फिर आपने इसे खेलने क्यों दिया? सर वो हार्ट अटैक मामूली था, इसलिए हमने ये बात छुपा कर रखी। आखिर इस बेचारे को पैसे भी तो कमाने थे। बॉक्सिंग छोड़ देता तो खाता क्या? तो हो सकता है ये उस हार्ट अटैक से ही मर गया। नहीं सर, ये हार्ट अटैक वाली बात तो हमको मालूम थी, और इसलिए इसने जानबूझकर वाली के छाती पर मुक्का मारा ताकि ये फौरन मर जाए। ये पहली बात पचाना तो जरा मुश्किल है, आप दूसरी बात बताइए। सर दूसरी बात मैं इन लोगों के सामने नहीं बताना चाहता। क्या बोल रहा है ये इंसान? सर आप लोग इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एक मिनट, इधर आइए आप। चलिए बताइए क्या है वो दूसरी बात। सर वो दूसरी बात ये है कि मैच शुरू होने से पहले जब मैं चेंजिंग रूम के सामने से गुजर रहा था। समझ गए। डोंट वरी सर, आप फिक्र मत कीजिए, सब तैयारी है। इस फाइट के बाद वाली कोई फाइट नहीं करेगा। शाबाश, गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे। सर आपने तो बॉक्सिंग करना सिखाया, अगली फाइट के लिए वाली जिंदा नहीं बचेगा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं किया कुछ? सर उस समय मुझे पता नहीं चला कि टॉरेंट क्या कहना चाहता है, मगर ये सब होने के बाद ये पक्का यकीन हो गया कि सर ये प्लान था। चलो टॉरेंट से पूछ लेते हैं। आइए टॉरेंट, इधर आओ, इधर आओ। तुमने अपने कोच से कहा था कि ये वाली का आखिरी मैच होगा? तुम मेरी बातें सुन रहे थे? सर ये इंसान आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर तुमने कहा था या नहीं? हाँ हाजिर थी, लेकिन मैंने उस मकसद से नहीं थी जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा ताशा, जरा इसका कमरा चेक करो। यस सर।
ये अपनी टॉरन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉक्सिंग में ये सब तो होता ही रहता है। एक कोच के लिए ये सब बच्चे के समान होते हैं। और कोच ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, रिंग के अंदर सब दुश्मन होते हैं, लेकिन रिंग के बाहर सब दोस्त होते हैं। सर, ये देखिए क्या मिला है। क्लब के अंदर से ये लोहे का सिक्का, पहचानते हो इसे? नहीं, ये मेरा नहीं है। मिस्टर टोरेन, ये ग्लव आप ही का है ना? हाँ, ये मेरा ग्लव है। हाँ, तो इसके अंदर मिला हुआ लोहे का टुकड़ा भी आप ही का होगा, है ना? सर, हो सकता है इस लड़की ने रख दिया सर। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? ये CID ऑफिसर है, ऐसा क्यों करेगी? लेकिन ये सर, ये लोहे का टुकड़ा मेरा नहीं हो सकता सर। तो तुम्हारे ग्लव्स में कहाँ से आए? सर, मैं नहीं जानता कि लोहे का टुकड़ा मेरे ग्लव्स में कैसे है सर। सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सच में सर। सर, कोई मुझे फंसा रहा है सर। ये बेचारा वाली, दो मौत मारा गया बेचारा, दो मौत। डॉक्टर सालुंके, दो मौत कैसे हो सकती है? अरे हो सकती है यार विवेक, यहाँ हो गई है इस वाली की दो मौत। एक आदमी की दो मौत? अभिजीत, इस बेचारे का खून भी हुआ है और इसकी मौत भी हुई है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, खून होगा तो मौत तो होगी ना? अभिजीत, खून खून होता है, मौत मौत होती है। एक देखो, तुम खुद देखो, ये देखो इसकी जबान देखो, तो काफी फूल गई है, काफी मोटी हो गई है। यस अभिजीत, यू आर राइट, जबान मोटी हो गई है और ये एक तरह की एलर्जी का सिम्टम है। एलर्जी? कौन सी एलर्जी? काली मिर्च, ब्लैक पेपर की एलर्जी है इस आदमी को। काली मिर्च की एलर्जी? ये कौन सी एलर्जी है सर? फ्रेडी, एलर्जी कई किस्म की होती है। इस आदमी को काली मिर्च, ब्लैक पेपर की एलर्जी, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जिसमें काली मिर्च हो। और जब मैंने इसका पेट काट करके देखा तो मुझे क्या मिला, आओ बताता हूं। इसके पेट में मुझे ये मिला, और इसे चेक करने से पता चला कि मैच से पहले इसने कुछ बिस्किट खाए थे, केले खाए थे और जूस पिया था, और एक खास किस्म की डिश खाई थी जिसका नाम है थाई प्रॉन्स, और उस थाई प्रॉन्स में ब्लैक पेपर, काली मिर्च थी। अगर वाली को काली मिर्च से एलर्जी थी तो उसने ऐसी डिश खाई क्यों जिसमें काली मिर्च थी? शायद वाली ने ये डिश अनजाने में खा ली हो। बिल्कुल सही अभिजीत, इसे पता ही नहीं होगा क्योंकि इन फैक्ट थाई प्रॉन्स में काली मिर्च होती ही नहीं है। What? जी हाँ, जब मैंने इंटरनेट पर देखा कि थाई प्रॉन्स कैसे बनाई जाती है, तब मुझे पता चला कि थाई प्रॉन में तो ब्लैक पेपर डलता ही नहीं है। वाकई? मतलब सर, किसी ने जानबूझ के ये काली मिर्च इसके डिश में डाली है। बिल्कुल ठीक फ्रेडी। तो ये खून है? फ्रेडी, जब उस टोरेन ने अपना आखिरी पंच इसकी छाती पर मारा तो इसके पेट में जो काली मिर्च थी उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसका दम घुटने लगा, इसकी सांस फूलने लगी और हार्ट अटैक की वजह से ये बेचारा मारा गया। तो अगर टोरेन ने वो आखिरी मुक्का वाली की छाती पर नहीं मारा होता तो शायद ये जिंदा होता। शायद। क्यों डॉक्टर तारिका, ये ठीक कह रहे? अरे भाई, तुम बात बात में डॉक्टर तारिका को बीच में क्यों ले आते हो? मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काली मिर्च से प्रॉब्लम है। मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब कि काली मिर्च की एलर्जी की वजह से क्या किसी की मौत हो सकती है? हो सकती है विजय, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में। सचमुच पहली बार सुना है मैंने कि किसी की मौत काली मिर्च, ब्लैक पेपर से हो सकती है। ये थाई प्रॉन्स मरने से कुछ देर पहले ही खाया होगा उसने। सर, अगर हमें वो आदमी मिल जाए जिसने थाई प्रॉन्स में काली मिर्च मिलाई थी तो केस सुलझ सकता है। या मगर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वाली की छाती पे टोरेन ने मुक्का जानबूझ के मारा था या अनजाने में। सर, जानबूझ कर ही मारा होगा क्योंकि टोरेन के ग्लास में से हमें वो लोहे का सिक्का भी तो मिला था। अगर लोहे का सिक्का इतनी जोर से लगने के बाद भी मैं वाली की छाती पे किसी तरह का घाम क्यों नहीं मिला? करेक्ट, ये बात तो सोचने वाली है विवेक। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के इसके अंदर लोहे का सिक्का डाल के अगर कोई किसी पे वार करेगा तो घाव तो होगा ही,
मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखे जरा क्या क्या हुआ था बॉक्सिंग रिंग में। वाह, वाली की बॉक्सिंग टेक्निक बहुत अच्छी है सर। अच्छा फ्रेडी, तुमने कभी बॉक्सिंग देखी है टीवी पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पहले बॉक्सर ही था। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? ऐसी हंसी आ गई, आप बॉक्सर है ये सोच के मुझे हंसी आ गई। मैं जोकर लगता हूँ तुमको? हेवी वेट में 10 फाइट कर चुका हूँ मैं। क्या बात कर रहा, क्या हुआ था उन 10 फाइट्स में? रिजल्ट पूछने की क्या जरूरत है? फिर भी फ्रेडी, हुआ क्या था? छोड़िए ना सर, आपको तो गर्व होना चाहिए, फ्रेडी एक बॉक्सर था। गर्व है, मगर हुआ क्या था उन फाइट्स में? आखिरी मैच में क्या हुआ याद ही नहीं आ रहा है सर, रिंग से बाहर ले जाना पड़ा, सीधे अस्पताल। इसीलिए तुम्हारा दिमाग अभी तक हिला हुआ है। एक मिनट, इस शॉट को जरा रिवाइंड करना। बस यहां से प्ले करो स्लो मोशन में। प्लीज ये देखा क्या सर, टोरेन ने आखिरी पंच के साथ से मारा अपने दाएं हाथ से। सर दाएं हाथ से। और ताशा, वो लोहे का सिक्का किस ग्लव में मिला था? सर बाय ग्लव में। जिस हाथ से टोरेन ने पंच मारा वो लोहे का सिक्का उस ग्लव में था ही नहीं। इसका मतलब है जिस किसी ने भी वो लोहे का सिक्का उसके ग्लव में रखा वो ये भूल गया कि टोरेन ज्यादातर अपने पंचेस दाएं हाथ से मारता है, इज अ राइट हैंडर। वो लोहे का सिक्का किसी ने बाद में रखा उसके ग्लव में, तो टोरेन को फंसाना चाहता है। अरे आप लोग? जी हाँ, हम यहां यह पता करने आए हैं कि मैच से पहले वाली कहां गया था। लेकिन सर अभी सब पता करने से क्या मिलेगा, खूनी तो पकड़ा गया है ना सर, वो टोरेन जिसने जानबूझकर वो पंच मारा था, और आप लोगों को तो सबूत भी मिल गया है। सबूत? आपका मतलब है वो लोहे का सिक्का? जी, वो लोहे का सिक्का किसी ने बाद में टोरेन के ग्लव में डाल दिया था हमें गुमराह करने के लिए। क्या बाद में डाला गया? ये क्या कह रहे हैं सर आप लोग? सच ही कह रहे हैं, सच। आप में से कोई नहीं चाहता था कि असली खूनी पकड़ा जाए। आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? इशारा सबकी तरफ है, सभी है शक के डायरी में। मैच से पहले वाली कहां गया था? लेकिन सर वाली का खून तो मैच में हुआ था ना? हाँ, मगर उससे पहले वो कहां गया था? जी वो मेरे साथ था सर। कहां गए थे तुम लोग? हम दोनों खाना खाने गए थे सर। खाना खाने गए थे, और कहां गए थे खाना खाने के लिए? रंगीनी रेस्टोरेंट में। रंगीनी रेस्टोरेंट? यही पे है तो तुम लोग, सच बोल रहे हो ना? जी सर, यहीं आए थे हम। किस टेबल पे बैठे थे तुम लोग? वाला टेबल सर, वहीं बैठे थे हम। वहां पे? जी। चलो उस वेटर की शक्ल याद है जो खाना लेके आया था इस टेबल पे? उस वेटर को देखूंगा तो शायद पहचान लूं। जरा नजर घुमाओ चारों तरफ, देखो वो वेटर का ही नजर आ रहा है। नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। देखो मैंने तुम्हें जो काम कहा है वो काम पूरा होना चाहिए, मुझे काम चोरी नहीं चाहिए। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे कि नहीं? तुम 4 बजे तक काम पूरा हो जाना चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी जी, आप यहाँ के मैनेजर हैं?
जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। सीआईडी? अब आपको कुछ याद है जब आप यहाँ पे वाली के साथ खाना खाने आए थे तो आपने क्या ऑर्डर किया था? याद तो है सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? रूटीन इंक्वायरी। क्या बात है सर? आपके यहाँ पे जितने वेटर्स काम करते हैं वो सब आज आए हैं? सुबह तो सभी आए थे। हाँ, मगर एक वेटर के पेट में दर्द हो गया था तो वो छुट्टी लेकर घर चला गया था सर। सर मैंने सर चिकन लॉलीपॉप मंगवाया था। अच्छा, वाली ने क्या मंगवाया था? वाली ने थाई प्रॉन्स मंगाया था सर। तो अब आप हमें ये बताइए कि थाई प्रॉन्स में नमक डलता है या काली मिर्च? अरे ये कैसा सवाल है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कोई शायद थोड़े हूँ। नाम क्या उसका? हेमंत नाम है सर उसका। हेमंत? ये हेमंत कह रहे थे मालूम? नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी यानी पुलिस? जी हाँ, हम लोग हेमंत से कुछ बात करना चाहते हैं। हेमंत है घर में? क्या काम है हेमंत से? देखिए हमें उससे पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? वो घर में नहीं है। कहाँ गए? कुछ बताकर नहीं गया, जब वापस लौटेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आप हमारा ये कार्ड रख लीजिए, हेमंत वापस आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। थैंक्स। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। क्या ये दरवाजा बंद क्यों है? यह कोई नहीं। आप हटिए ना। यह कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये दरवाजा अंदर से बंद है, आपने अब तक झूठ बोला। भाग जा बेटा। दरवाजा खोलो। भाग जा। हेमंत दरवाजा खोलो। भाग जा बेटा। हेमंत? सर अंदर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया? सब के होठ नीले पड़ गए, ये जहर खाकर मरा। जहर? क्या मेरे बेटे को? समझ में नहीं आ रहा सर, अगर इसने खुद जहर खाया था तो इसे खिड़की से बाहर कूदने की क्या जरूरत थी? फ्रेडी, अगर इसने खुद जहर खाया होता तो जहर की शीशी यहाँ आसपास पड़ी हुई दिखाई पड़ती, मगर यहाँ तो कोई बॉटल है नहीं। ये बात तो है सर, जहर की बॉटल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और शायद दिखाई पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जहर उसने खुद नहीं खाया, किसी और ने उसे जहर खिलाया है यहां आने से पहले। और जैसे ही हम लोग यहां घर के अंदर घुस रहे थे तभी वो यहां से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी जहर का असर हो गया और वो खिड़की से बाहर गिरकर मर गया। खिड़की से कुत्ते टाइम जहर का असर? ऐसे ही हुआ होगा, और हो ना हो वाली के खाने में वो ब्लैक पेपर भी इसी वेटर ने मिलाई। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
ओहो, ये देखिए सर, 500-500 की थप्पियां। ये तो लाखों हैं। एक मामूली से वेटर के घर में इतने सारे पैसे। वाली के खाने में काली मिर्च डालने के पैसे सर। रेडी, तुम भी कभी कभी बहुत काम की बात कर लेते हो। मैं तो हमेशा काम की बात करता हूँ सर। समझने वाले नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है फ्रेडी, इतने सारे पैसे हेमंत को किसने दिए होंगे? ये नोट्स हेमंत को दिए किसने होंगे? नोट्स नए लग रहे हैं और एक ही सीरीज के भी हैं। किसी बैंक से निकाले होंगे? सर, इन नोट्स के सीरियल नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नोट्स कौन से बैंक में दिए होंगे। सर, मान लेते हैं कि उस आदमी ने हेमंत को ये पैसे दिए वाली के खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए, और उस आदमी को ये कैसे मालूम था कि वाली उसी रेस्टोरेंट में जाने वाला है जहाँ पर हेमंत काम करता है? वाली के पेट में अगर चूहे दौड़ रहे थे तो वो कहीं पे भी जा सकता था सर। ये बात तो है, वाली किसी और रेस्टोरेंट में भी जा सकता था, रंगनी रेस्टोरेंट में क्यों गया? सीधी सी बात है सर, वो खुद वहां पे नहीं गया होगा, उसे वहां पे ले जाया गया होगा। वाली के कोच से पूछताछ करते हैं, वही बताएगा कि वाली रंगनी रेस्टोरेंट में क्यों गया था। और इन नोट्स के सीरियल नंबर से पता करो किस बैंक ने दिए हैं ये नोट्स। लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या करें, अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब माना कि बॉक्सिंग के खेल में हर रोज मौत नहीं होती, पर सर ये तो एक्सीडेंट था। हमें मालूम है ये आपके लिए एक एक्सीडेंट था। वैसे खाना कहाँ कहाँ खाते हैं आप? ये भी कोई सवाल हुआ सर? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, खाना खाने कहाँ कहाँ जाते हैं? अरे फिर आप ये पूछने लगेंगे कि मैं किस किस साबुन से नहाता हूँ? वो भी पूछेंगे। अब ये मत पूछने लग जाना कि मैं कौन कौन सी चड्डी पहनता हूँ सर। वो भी पूछ लेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है सर? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कहाँ खाना खाने जाते हो, कैसा खाना पसंद है, पंजाबी, मुगलई, चाइनीज? अरे सर, आप बार बार खाने का नाम मत लो सर, मेरे मुंह से पानी टपकने लगा है। अरे यार जल्दी से बता दे कौन से रेस्टोरेंट में जाता है तू, सारे के सारे चल के वहीं पे खा लेंगे। अरे एक आदमी की मौत हो गई है और आप लोगों को खाने की सूझ रही? ये रंगीनी रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? रंगीनी रेस्टोरेंट, मगर वो तो हाँ वही रंगीनी रेस्टोरेंट जहाँ पे तुम वाली को लेकर गए थे खाना खिलाने के लिए। मैं लेकर गया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? बकवास नहीं है ये सच है, सच। तुम्हें मालूम था कि वाली के खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए हेमंत को पैसे दिए गए? हेमंत? कौन हेमंत? मैं किसी हेमंत को नहीं जानता सर। लगता है तुम्हारा दिमाग खोलना ही पड़ेगा। हाँ सर, मैं ही जानबूझकर वाली को रंगीनी रेस्टोरेंट में ले गया था सर। किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? मैं उसका नाम नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी फोन पर, कह रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे बच्चे और बीवी को मार देगा सर। मेरी बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती, मेरी बीवी कौन से दुकान से साड़ी खरीदती, ये सब उसे मालूम था सर। ये सब सुनकर मैं भौचक्का रह गया सर, और मैंने ऐसा ही किया जैसा उसने कहा था सर। अगर ऐसी बात ही थी तो मैं सीआईडी के पास आना चाहिए था, हमसे मदद मांगनी चाहिए थी तुम्हें। वैसे बहुत डर गया था सर, मुझे लगा कि अगर उसे पता चल गया कि मैं आप लोग की मदद ले रहा हूँ तो पता नहीं क्या कर देगा सर मेरी बच्ची और बीवी के साथ। अरे भाई बैंक लोन का फायदा है क्या अगर एक महीने बाद मिलेगा तो? देखिए जब तक के फॉर्म बराबर भरा हुआ नहीं होगा तब तक तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये देखिए आपके ऑफिसर ने 10 बार देख लिया है फॉर्म, कभी कहते हैं वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ,
कभी कहते हैं फादर का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। देखिए वो सब तो लगता ही है, बैंक को पूरी जानकारी चाहिए तभी हम आपको लोन दे सकते हैं। लोन मैं ले रहा हूँ, मेरी बीवी नहीं। देखिए लोन लेने के बाद आप वापस कर सकते हैं या नहीं, जब तक कि हम लोग ये नहीं देखेंगे हम आपको लोन नहीं दे सकते। साफ साफ कहिए ना कि आप लोन देना ही नहीं चाहते। ये पकड़िए अपना फॉर्म। फॉर्म बाहर मिलता है। कौन सा फॉर्म? लोन का। मुझे लोन वो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं इंस्पेक्टर दया हूँ CID से। CID से क्यों? क्या नकली नोटों का चक्कर है? नहीं, खून का चक्कर है। खून? वो भी बैंक में? आपने वाली का नाम तो सुना ही होगा। वाली? कौन वाली? वो बॉक्सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ, आजकल तो हर न्यूज चैनल पे उसी के चर्चे हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। मगर उसकी मौत तो बॉक्सिंग रिंग में हुई थी, फिर आप यहाँ बैंक में क्या कर रहे हैं? पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी पैसों का लेन देन हुआ है आपके बैंक में, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। जो जो पैसे दिए गए हैं और जो जो पैसे आए हैं वो सब। क्यों चाहिए? बताया ना आपको, खून का मामला है। सॉरी सर, ये हमें अलाउड नहीं है। हम अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कर सकता। देखिए मैनेजर साहब, मैं वारंट लेके आ सकता हूँ, मैं तब तक बहुत देर हो जाएगी, खूनी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। ओके प्लीज। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। अकाउंटेंट, मुझे पिछले 48 घंटे में हुए ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल चाहिए, जल्दी। क्या पियेंगे सर आप? चाय लेंगे? नो थैंक्स। सर ये लिस्ट लीजिए सर। अच्छा, जिस जिसको नए नोट्स दिए हैं उन सबके लिस्ट हैं इसमें? सर जिनको हम नए नोट देते हैं उनके बारे में कोने में लिख लेते हैं। ओके ओके ठीक है, तुम जाओ। सर मैंने पूछा था ना आपसे, कहीं नकली नोटों का चक्कर तो नहीं है? नकली नोटों का नहीं, असली नोटों का चक्कर है। ये रहा। कुछ मिला क्या सर? हाँ, ये कोई जयेश है। जयेश? हाँ, जयेश लखमारा। थैंक्स। चोंच खोली इसने? हाँ चोंच खोली तो है, मगर ये कह रहा है कि इसने उस आदमी को देखा नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी है। सिर्फ आवाज सुनी है? हाँ, वो इसे फोन पे धमकी देता था और उसी ने पैसे दिए हेमंत को। मैं बताता हूँ कौन है वो आदमी। कौन है? जयेश लखमारा। जयेश लखमारा? हाँ, हेमंत के घर से हमें जो पैसे मिले थे वो पैसे केरा बैंक के जयेश लखमारा के अकाउंट से आए हैं। ओके, तो फिर इस जयेश लखमारा को फौरन पकड़ लेना चाहिए, एड्रेस है ना उसका? हाँ। तो शुभ काम है तेरी, कैसे लोहा गरम है, मार देते हैं थोड़ा। आशा जरा एड्रेस चेक करो, हम लोग सही तो जा रहे? सर एड्रेस तो एकदम सही है। सही है। बेटा हेमंत को भी जयेश नहीं मारा होगा। आगे बंगला दिख रहा है सर, यही है। हाँ सर, ये रहा प्लॉट नंबर 27। प्लॉट नंबर 27? या तो कोई चौकीदार भी नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं। कहीं ये भाग तो नहीं गया? लग तो ऐसा ही रहा है सर। ये भी तो हो सकता है कि घर के अंदर छुपके बैठो। पूरे घर की तलाशी लो जल्दी।
फ्रेडी ये क्या हुआ? अरे सर ये लिपट गया मुझसे सर। कौन है ये? अरे बाप रे। अरे ये तो टोरेन है। मगर सर ये यहाँ पे क्या कर रहा था जयेश के घर में? सर इसके भी होंठ नीले पड़े सर। ये जहर पी के कबर में तो नहीं बैठ गया? सर कोई जहर पी के कबर में क्यों बैठ जाएगा? जहर पीने के बाद इसे ठंड लगी होगी। ठंड वंड की बात छोड़ो फ्रेडी, सोचने वाली बात यह है कि ये टोरेन जयेश के घर में क्या कर रहा है? सर लगता है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व्ड होगा। अगर टोरेन इसमें इन्वॉल्व्ड है तो इसका मतलब है इसने वो मुक्का जानबूझ के मारा था वाली के छाती में। मगर सर हमें वो लोहे का सिक्का टोरेन के लेफ्ट क्लाव में मिला था, और अगर वो सिक्का टोरेन खुद डालता तो वो सिक्का हमें राइट क्लाव में मिलता सर, लेफ्ट क्लाव में नहीं, क्योंकि मैच का आखिरी पंच टोरेन ने राइट ग्लव से मारा था। सर ये टोरेन इस प्लान के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता था, वरना जयेश उसे क्यों मारता? सोचने वाली बात ये है जयेश ने टोरेन को मारा क्यों? अगर टोरेन इस प्लान में मिला हुआ है तो टोरेन का कोच भी कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, और ये टोरेन अब टोरेन नहीं रहा, ये बेचारा एक लाश बन गया है, और ये लाश ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा चक्कर है। फ्रेडी विवेक तुम लोग टोरेन के कोच से जाके पूछताछ करो, तब तक हम इस घर की तलाशी लेते हैं। यस सर। जाओ। अरे सर आप लोग यहाँ? मुझे बता दिया होता मैं खुद आपको लेने चला था। तो क्या नाम है? बीमारी, बिना बुलाए ही आ जाते हैं हम लोग। सर अच्छा मजाक कर लेते हैं आप दोनों। सर आप लोग भला बीमार हो सकते हैं क्या? वो सब छोड़ो, आप जा रहे हो या आ रहे हो? मैं नहीं सर, ना मैं कहीं आ रहा हूँ ना कहीं जा रहा हूँ सर, मैं तो बस ये सूटकेस है धूप में सुखाने की कोशिश कर रहा था सर। गिल्ले सूटकेस। जब हम आ रहे थे हमें रास्ते में एक लंगूर मिला। लंगूर रास्ते में? अरे सर उसने आपको हेलो बोला है? लंगूर ने मुझे रास्ते में हेलो बोला? अरे सर बहुत अच्छा मजाक करते हैं सर आप। हाँ उस लंगूर का नाम जयेश है। जयेश? जयेश? अरे जयेश का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर मैं किसी जयेश को नहीं जानता सर। इस जयेश के घर में हमें टोरेन की लाश मिली है, समझे? क्या टोरेन की लाश? टोरेन मर गया? देखिए मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करिए सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। देखिए आपको जयेश के बारे में कुछ तो पता होगा। देखिए सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं टोरेन के चेंजिंग रूम में घुसा तो देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ मैं, समझे? अगर मेरे कहने के मुताबिक तुमने वैसा नहीं किया तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा और सबको पता चल जाएगा, समझे? बस सर मुझे इतना ही मालूम है। टोरेन ने उस आदमी का नाम बोला था? नहीं सर। ये टोरेन जयेश से ही बात कर रहा होगा, और कुछ सुना आपने वो क्या बात कर रहा था? नहीं सर वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। सर ये टोरेन किस बात का भांडा फोड़ने की बात कर रहा था? सर टोरेन के कोच ने जब टोरेन को फोन पे बात करते हुए देखा तो शायद वो जयेश से बात कर रहा था, और टोरेन जयेश को कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो जयेश का भांडा फोड़ देगा। मुझे लगता है ये टोरेन जयेश को ब्लैकमेल कर रहा है। Thank you.
वाली है, मगर याद भी कौन इसके साथ में? शायद ये जयेश है, वाली और जयेश। सर इसका मतलब है कि टोरेन भी जयेश को जानता था और वाली भी जयेश को जानता था। इसे उल्टा भी बोल सकते हैं, ये जयेश टोरेन को भी जानता था और वाली को भी, और इस फोटोग्राफ को देख के लगता है कि दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो फिर सर जयेश ने टोरेन का खून क्यों करवाया होगा? पता चल गया, चलो चुप जाओ। चलिए सवाल है, दरवाजे का लॉक खुला हुआ और ये लाइट को क्या हो गया? बिजली का बिल नहीं भरोगे तो ऐसा ही होगा। किसकी आवाज थी? देखो मैं गोली चला दूंगा, भागो। कौन है? तेरा बाप। बोल क्यों मरवाए वाली को? हाँ वाली और मैं एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उसने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे। मुझे लगा कि वो लौटा देगा, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए थे। वक्त पर शादी नहीं हुई, टूट गई और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। और उसी वक्त तुमने ठान लिया कि तुम बदला लोगे, क्यों? हाँ, काफी साल बीत गए, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं अमीर बन गया। एक दिन अचानक टीवी देखते वक्त मुझे पता चला कि वाली बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया है। मैंने प्लान बनाया, उस वेटर को पैसे दिए ताकि वो उसके खाने में काली मिर्च डाल दे। उसी के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया। और जब वहां मैच हो रहा था ना, उस वक्त मैं वहीं था। और मैच खत्म होने के बाद मैं चुपके से टोरेन के रूम में घुसा और उसके ग्लव में वो लोहे का सिक्का डाल दिया। मगर तुमने एक गलती कर दी, तुमने वो लोहे का सिक्का दाएं ग्लव में डालने के बजाय बाएं ग्लव में डाल दिया, क्यों? हाँ, जब टोरेन को पता चला कि उसके ग्लव में वो लोहे का सिक्का मैंने डाला, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि सारी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। मुझे धमकाने मेरे घर चला आया और उसी वक्त मैंने उसे भी मार दिया। अब इसके आगे कोई चांस नहीं है कोई और प्लान बनाने का। 3-3 खून किए हैं, फांसी तो होके रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.